हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। गाइस, मैं आज लेकर आया हूँ इंग्लिश का स्पोकन वीडियो, जिसमें आज आपकी इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम है वो आज सॉर्ट आउट इंग्लिश करूँगा। छोटे छोटे वर्ड से बोलना स्टार्ट करें, छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना स्टार्ट करें। जितना आप बोलेंगे उतने इंग्लिश आएगी। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि सर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं क्या, जो एक ही टॉपिक पर हम पिछली वाली बात बोल जाएं और आगे आगे आने वाली बात बोल जाए, फ्यूचर की भी बात बोल जाए, ऐसा कुछ है क्या? समझेंगे आप। देखिए, एट द मोमेंट आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ध्यान से समझें। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी, देखिए जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस इज। अभी मैं इसी को कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैटर है। इसके साथ बहुत सारी इंग्लिश बोली जा सकती है। सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में आई एन जी इट मीन्स आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। गाइस, यहाँ पर ये आपने बहुत सारी जगह पर, यहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, आपने जब से भी पढ़ रहे होंगे तब से ये फॉर्मूला फॉलो किया होगा। लेकिन मैं ये फॉर्मूला आपको नहीं बताने वाला हूँ और ना इसको कभी फॉलो करना है, कभी फॉलो नहीं करना। जीवन में भी इस तरीके के फॉर्मूले आप फॉलो नहीं करेंगे, करेंगे तो आप इंग्लिश फास्ट नहीं बोल पाएंगे। ओके, इतना समझते हैं आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है बोलने का। गाइस, जो भी काम आप अभी कर रहे हो, एट द मोमेंट जो भी आप काम कर रहे हो, बोलते रनिंग टाइम को आप आईएनजी लगाकर बोलेंगे। रनिंग टाइम को आईएनजी लगाकर बोलेंगे। कोई भी काम हो, आपने बोला मैं सो रहा हूँ, वैसे सेंटेंस भी रहोगे मैं सो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। सो रहे तो बोल कौन रहा है? जैसे मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। अब ये तो मैंने बता दिया कि आई एम प्लेइंग, बट अगर मुझे इतना बोलना पड़ जाए कि खेल रहा हूँ, खेल रहा है, खेल रही है, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी ये काम हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आजकल रामायण पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, बट ये नहीं है कि अभी सीधे लिए हुए हैं आप वो धार्मिक बुक, किसी भी बुक को लिए हुए हैं और आप अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं। काम वो रनिंग में है। जो भी काम रनिंग में हो, चाहे वो अभी आप कर रहे हो या आपके जीवन से जुड़ा हुआ अभी रनिंग में चल रहा हो, उन सभी के लिए आप आईएनजी के साथ बोलेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। जैसे मैंने अभी बताया रनिंग, देखिए रन में भी आईएनजी लगी है, शायद पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। रनिंग रनिंग मीन्स चल रहा है, तो रन में भी आईएनजी लगी है। जो भी काम चल रहा है या चल रहे के सेंस में बोल रहे हैं, उस सेंस के साथ आप वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। ओके गाइस, जैसे पढ़ रहा है तो रीडिंग, पढ़ रहा है रीडिंग, लिख रहा है राइटिंग, बुक पढ़ रहा है रीडिंग बुक, खेल रहा है प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा है प्लेइंग क्रिकेट, हंस रहा है लाफिंग। मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई के साथ आई एम लगाना है, एट द मोमेंट की बात है। अभी मैं काम करते हुए बता रहा हूँ, करते हुए बता रहे हैं तब की बात है, ऐसा नहीं आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। झूठ बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, बट रियलिटी यही है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए बताइए। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खा रहा क्या अभी? नहीं, बट मैं मुझे वो एक्शन करनी होगी, वो मोमेंट मुझे लाना होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि आप कुछ खा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आप भी इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ, अभी आएगा बोलना, कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं इंग्लिश बोलना, इतना ध्यान रखें आप। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मूवमेंट कर रहा हूँ। वैसे जब भी आप लिखोगे ये पूछोगे क्या लिख रहे हो, कोई भी अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो किसी को मालूम नहीं क्या लिख रहे हो, तो ये बोलेगा, आप ये बोलेंगे मैं लिख रहा हूँ, क्या आई एम राइटिंग, जो कुछ भी लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग इंग्लिश, आई एम राइटिंग रूल, आई एम राइटिंग हिंदी, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं आई एम राइटिंग। ओके गाइस, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं ताली बजा रहा हूँ, आई एम क्लैपिंग, आई एम क्लैपिंग, मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू। यहाँ पर आप सीन का भी यूज कर देते हैं, कुछ लोग लुक का भी यूज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, आप मेरे को लगातार देख रहे हैं, तो ये होगा वॉचिंग, आई एम वॉचिंग यू। आप सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, क्योंकि
आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको भी देख रहा हूँ, ओके। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम शूटिंग वीडियो, आई एम बाथिंग, इस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे, आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, इस तरीके से आप इन सब बातों को बोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, बस आपको एक जगह पर खड़े हो जाना है और जितने भी मूवमेंट आप खड़े खड़े कर सकते हैं करें, और इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। डांस कर रहे हैं तो आप डांस करते हुए बताएंगे, आई एम डांसिंग, ओके गाइस। आप बोलेंगे मैं दौड़ रहा हूँ, और वैसे ही मूवमेंट करिएगा जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, ओके गाइस, हो गया। और भी ले लें, मैं क्रीम लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग क्रीम, आई एम अप्लाइंग क्रीम। मैं दांत साफ कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग द टीथ, आई एम ब्रशिंग द टीथ, ओके गाइस। ही इसके लिए, माने कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी देख रहा हूँ उसे, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ओके गाइस। जैसे बोल रहा हूँ लड़की के लिए, सी इज डांसिंग, वो नाच रही है, दे आर कमिंग, दे आ रहे हैं, देखो वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। मोस्टली आप खुद ही मूवमेंट करके और प्रैक्टिस करें। गाइस यदि मना करना है तो आई के साथ एम आता है, एम के बाद नॉट का यूज किया जाता है। प्रत्येक सेंटेंस में जब भी हमें नॉट लगाना हो, मना करना है, तो नॉट तीसरे नंबर पर आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, वह नहीं नाच रही, शी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, ओके गाइस। अब समझ में आ गया है कि नॉट में कैसे बोलते हैं। यदि हमें किसी से क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है, सामने वाले से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब आर यू से क्वेश्चन करेंगे, आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हो, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हो, आर यू प्लेइंग, फोन पर बात करते हैं और आवाज सुनाई देती है, लगता है कि ये खेल रहा है, हम फोन पर ही पूछ लेते हैं, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, आंसर में नेगेटिव बार, यदि यस, यस आई एम प्लेइंग, नॉट आई एम नॉट प्लेइंग, ओके गाइस। सभी के साथ ऐसे हो सकता है, आप इज लगाएंगे तो हिसी नेम इट के साथ हो जाएगा, क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, क्या वह गीत गा रही है, इज सी सिंगिंग सॉन्ग, वह गीत गा रही है, सी इज सिंगिंग सॉन्ग, क्या राहुल पढ़ रहा है, इज राहुल रीडिंग, राहुल पढ़ रहा है, राहुल इज रीडिंग, ओके गाइस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आर यू भी दे के साथ यूज करते हो, और हिसी नेम इट के लिए इज का यूज करते हो, और आई के लिए एम का यूज करते हैं, कभी कभार एम के साथ भी क्वेश्चन हो जाता है, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एम आई लुकिंग यू, यहाँ पर आप लुक का यूज कर सकते हैं, वॉच का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंस पर, क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग, कोई और बोल रहा है, किसी और की वॉइस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं कभी कभार क्लास में, ओके गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट मैटर, गाइस ये तो बात थी अभी प्रेजेंट की और जो चल रही होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी आने वाली बात के बारे में भी बात करना होता है, तब उसके लिए एक वर्ड होता है।